दोस्तों आज तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तमाम ऐसे एक्ट्रेस हैं जिनको बड़े अच्छे लगते हैं। जी हाँ, ये ऐसी दुनिया है जहाँ प्यार में दीवानगी देखी जाती है और प्यार के इस रेस में आपकी चहेती हीरोइनें किसी से कम नहीं है। यहाँ शादी करने के लिए कोई स्टेटस नहीं देखता, पैसा नहीं देखता, जाति और मजहब नहीं देखता, देखी जाती है तो उम्र। एक से बढ़कर एक हसीनाएं हैं जिनके लिए लोग मर मिटने को तैयार रहते हैं, लेकिन ये हसीनाएं दीवानी है अपने से बड़े उम्र के मर्दों की। अपने से काफी बड़ी उम्र के लड़के से शादी करने का ट्रेंड कोई आज का नहीं है, ये कई दशकों से चला आ रहा है, जिसमें आपको बॉलीवुड में ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जो पैसों के लिए सिर्फ अपने से ज्यादा उम्र के एक्टर से शादी रचाते हैं। जैसे अब आप करीना कपूर खान को ही देख लीजिए, जिन्होंने अपने से बड़े और दो बच्चों के पिता सैफ अली खान से सिर्फ पैसों के लिए ही शादी रचाई। हालांकि बॉलीवुड इंडस्ट्री को देखा जाए तो यहां आपको कई ऐसे सारे कलाकार मिल जाएंगे जिन्होंने सिर्फ पैसे के लिए अपने से बड़े उम्र के एक्टर से शादी की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो को, जिसमें आप जानेंगे बॉलीवुड के उन एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने अपने से बड़े यानी बुढ़े लोगों से शादी रचा ली और इसके पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा ही था। दिलीप कुमार सायरा बानो। शुरुआत करते हैं 80 के दशक की इस बेस्ट जोड़ी से। अब दिलीप कुमार और सायरा बानो की जोड़ी को ही ले लीजिए। हम में से ही कई लोगों के पिताजी सायरा बानो के दीवाने रहे होंगे, लेकिन 1966 में 22 साल की इस हसीन अदाकारा ने जब शादी की तो दिलीप साहब से, जिनकी उम्र उस समय 44 साल थी। अब समझ में ये नहीं आता कि अपने से 22 साल बड़े इंसान से कोई भला कैसे शादी कर सकता है। इतनी उम्र का ये फासला तो शायद हमारे और हमारी माँ के बीच होगा। सैफ अली खान और करीना कपूर। आज के जमाने के एक्टर की लिस्ट में सैफ अली खान और करीना कपूर की जोड़ी तो वाकई सुपरहिट रही। करीना कपूर सैफ अली खान से 11 साल छोटी हैं, लेकिन सैफ अली खान ने अपने हाथ पर करीना का नाम क्या गुदवाया, करीना तो प्यार में पागल ही हो गईं और उनसे शादी कर बैठी। हालांकि सैफ अली खान पहले से शादीशुदा थे और दो बच्चों के पिता भी थे, लेकिन उन्होंने न सिर्फ अपने प्यार का इजहार सैफ से किया बल्कि उनकी संपत्ति को भी हथियाने के लिए उनसे प्यार का झूठा नाटक किया होगा। अब ये प्यार हकीकत में हो गया तो इसमें सैफ की क्या गलती। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि करीना कपूर खान ने सिर्फ सैफ अली खान से पैसों के लिए शादी की थी ताकि वो पटौदी नवाब खानदान की इकलौती मालकिन बन सके। सलमान खान सोनाक्षी सिन्हा। दोस्तों इन दिनों बॉलीवुड के बैचलर एक्टर सलमान खान अपनी दबंग गर्ल यानी कि सोनाक्षी सिन्हा के साथ शादी के बंधन में बंधने को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि जल्दी सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा शादी करने वाले हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त आने पर ही पता चल पाएगा, लेकिन हम आपको बता दें कि जहां सोनाक्षी सिन्हा 34 साल की हैं, वहीं सलमान खान 56 साल की उम्र पार कर चुके हैं और ऐसे में दोनों के बीच 22 साल का अंतर है। लेकिन फिर भी सोनाक्षी सिन्हा सलमान खान से शादी करने वाली है और वो भी सिर्फ पैसों की बदौलत। सलमान खान बॉलीवुड के इकलौते ऐसे एक्टर हैं जो एक फिल्म में करोड़ों रुपए कमाते हैं। अब ऐसे में जब सोनाक्षी सिन्हा को इस वक्त फिल्मों में काम नहीं मिल पा रहा तो उन्होंने सलमान खान से शादी कर लाइमलाइट में आने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा है और वो जल्द ही सलमान खान से शादी भी करेंगे। और मिला जुला कर कहा जाए तो ये सब सोनाक्षी सिन्हा पैसों के लिए कर रही है। आमिर खान और फातिमा शेख। ऐसा ही हाल कुछ आमिर खान और किरण राव की जोड़ी का भी है, जहां आमिर किरण से 9 साल बड़े हैं। हालांकि उन्होंने अपनी पत्नी किरण राव को तलाक दे दिया है। इससे पहले आमिर खान रीना दत्ता को भी तलाक दे चुके हैं और अब वो फातिमा सना शेख से तीसरी शादी करने जा रहे हैं। किरण राव से तलाक के बाद सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हैं कि आमिर खान फातिमा सना शेख से तीसरी शादी कर रहे हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि आमिर खान अपनी आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के बाद अपनी शादी का ऐलान करेंगे। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि फातिमा आमिर खान की बेटी की उम्र की है, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ पैसों के लिए आमिर खान को फंसाया है। आपको क्या लगता है कि क्या सच में आमिर खान और फातिमा सना शेख का प्यार सच्चा है या फिर ये लोग पैसों की वजह से शादी रचा रहे हैं। रितेश देशमुख और जेनेलिया। जब बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों की बात हो रही है तो हम रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा को कैसे भूल सकते हैं। आपको बता दें कि जेनेलिया ने भी अपने से 9 साल बड़े रितेश से फरवरी 2012 में शादी कर ली। वो तो शुक्र है कि अपने सल्लू भाई ने शादी का आइडिया ड्रॉप कर दिया, वरना अगर उनका और कटरीना का मामला फिट हो जाता तो यहाँ भी 19 साल का फासला आ जाता। लेकिन जो भी हो, सोचने वाली बात यह है कि उम्र के इतने फासलों के बावजूद ये जोड़ियां खुशी खुशी एक साथ जिंदगी बिता रही हैं। एज गैप को लेकर कोई झगड़े भी नहीं, मतलब साफ है मामू, अगर आपकी एज भी शादी की हो गई है और घर वाले लड़की ढूंढ रहे हैं
तो उनको जरा सब्र करने की बोलो, तुम्हें भी कोई कम उम्र की हसीना जरूर मिलेगी। वाकई आजकल सभी हसीनाओं को बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो जेनेलिया एक फ्लॉप एक्ट्रेस है और वो अपने करियर को ड्रॉप करने के बाद रितेश देशमुख से अचानक शादी कर लेती है और इन सभी के पीछे सिर्फ पैसा और सिर्फ पैसा ही वजह बना है शिल्पा शेट्टी। दोस्तों शुरुआत करते हैं 90 के दशक की इस बेहतरीन अभिनेत्री से जिन्होंने अपनी अदाओं से यूपी बिहार तक को लूट लिया है और इसी वजह से आज इनके लाखों दीवाने हैं। हालांकि शिल्पा शेट्टी ने साल 2009 में मशहूर उद्योगपति राज कुंद्रा से शादी रचाई थी। सूत्रों की माने तो शिल्पा ने राज कुंद्रा से शादी इसलिए की क्योंकि वो बहुत अमीर थे। एक ब्रिटिश मैगजीन के अनुसार राज कुंद्रा का नाम अमीर आदमियों की लिस्ट में 198वें स्थान पर आता है। लेकिन सभी को न देखते हुए वो एक तलाकशुदा और अपने से ज्यादा उम्र के इंसान से सिर्फ इसलिए शादी कर बैठी क्योंकि उनके पास काफी पैसा था। और आज भी शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा के साथ मुंबई में रहती हैं। हालांकि राज कुंद्रा पर कई संगीन आरोप भी लग चुके हैं लेकिन शिल्पा शेट्टी उनके पैसों की वजह से आज भी उनके साथ हैं। विद्या बालन इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है फिल्म डर्टी पिक्चर में सिल्क स्मिता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री विद्या बालन का, जो आज बॉलीवुड की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक है। इस फिल्म के लिए विद्या को नेशनल अवार्ड भी मिला था। कहा जाता है कि एक्ट्रेस ने पैसों के लिए सक्सेसफुल प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी की है। दोनों ने साल 2012 में शादी की थी। बता दें सिद्धार्थ रॉय कपूर डिज्नी इंडिया के डायरेक्टर हैं और उनका दो बार तलाक हो चुका है, पर बावजूद इसके विद्या बालन ने अपने से ज्यादा उम्र के इंसान से शादी करना सही समझा और उन्होंने ये तक नहीं देखा कि उनका दो बार तलाक हो चुका है और विद्या बालन सिद्धार्थ रॉय कपूर की तीसरी पत्नी है। और इन सभी से यही मतलब निकलता है कि इतना पैसा होने के बाद भी अभिनेत्रियां सिर्फ पैसों के पीछे भागती हैं और पैसों के लिए अपने से ज्यादा उम्र के बुढ़े इंसान से शादी कर बैठती हैं, जो उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। आयशा टाकिया। सलमान खान की वांटेड मूवी से मशहूर हुई अभिनेत्री आयशा टाकिया, जिन्होंने इस फिल्म में इतना नाम कमाया है कि उन्हें सिर्फ सलमान की हीरोइन कहा जाने लगा था। हालांकि फिल्मों में हिट नहीं रहने के बावजूद आयशा टाकिया ने एक बहुत ही अमीर व्यक्ति से शादी की है। बता दें आयशा टाकिया ने फरहान आजमी से शादी की है, जो बहुत सारे होटल्स के मालिक हैं और उनके पिता एक बड़े राजनेता हैं। दोनों ने शादी से पहले लंबे टाइम तक एक दूसरे को डेट किया था। आयशा एक पॉलिटिशियन खानदान की बहू बनी है। उनकी शादी इतने बड़े स्तर पर हुई थी कि लोग देखते ही रह गए थे। हालांकि इन दोनों की शादी को लेकर कई तरह के विवाद हुए थे क्योंकि इनके पति मुस्लिम हैं और आयशा हिंदू, जिस वजह से इन दोनों के रिश्तों को फैंस और उनके परिवार वाले भी अपनाने से कतरा रहे थे। वहीं बता दें कि आयशा टाकिया के बिजनेसमैन पति फरहान आजमी से शादी करने के पीछे का मकसद भी पैसा ही था, क्योंकि उन्होंने तमिल और बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है और बावजूद इसके उन्होंने अपने करियर को संवारने की बजाय अपने करियर को दबाते हुए एक बिजनेसमैन से शादी कर ली ताकि उन्हें आगे किसी तरह की दिक्कत न हो, और वो सिर्फ पैसों की वजह से इनसे शादी कर बैठी थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और हमारा इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।